जय सिया राम। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको मिनी मार्बल 1 का क्रप्टन मिनी मार्बल का ओनली मिनी मार्बल का डाटा दिया हुआ है, नहीं देखा हो तो देख लेना, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आज हमारे पास देखो मिनी मार्बल का मैंने मिनी मार्बल 1 वेंडिंग किया हूँ और इसका डाटा मैं आज आपको देने वाला हूँ। जैसे बात करूँ तो 0.75 किलोवाट की हो जाती है, 1 HP की मोटर हो जाती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन टाइप और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ये मोटर होती है, जो कि पुरानी मोटर है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। सर्वप्रथम तो आप मेरे कॉयल का वेंडिंग देख लो थोड़ा सा, और वेंडिंग देख करके हमको थोड़ा सा बताना कि क्या फिनिशिंग इसकी अच्छी आई है कि नहीं आई, या इससे भी बेटर फिनिशिंग ली जा सकती है, तो ये चीज़ जरूर बताइएगा। फिलहाल मैंने इसमें बीच में गैप के लिए मैंने इसमें मतलब जो ग्रीन सीट आती है उसको मैंने यूज़ किया हूँ। जैसे मैं बात करूँ इसकी कॉयल का, तो कॉयल में आज मैं इसमें फिर से इसका डाटा देने वाला हूँ। तो इसमें क्या किया गया है, 3 आपका मतलब 6 कॉयल आपका रनिंग में डाले गए हैं और 6 कॉयल स्टार्टिंग में डाले गए हैं। सेम अकॉर्डिंग जो कि आपका मिनी मार्बल का था, सेम टू यू आपका मिनी मार्बल 1 का भी सेम टू यू डाटा है, बस वायर और डिफेंस की चेंजिंग हो जाएगी। यानी कि जो कॉयल पिच होती है ना, जैसा उसका था सेम टू यू इसका है। इसमें भी आपको 3 स्टार्टिंग के और 3 रनिंग के बने हैं, उसमें भी आपका 3 स्टार्टिंग और 3 रनिंग का बना है। उसका भी कॉयल पिच का बात करूँ तो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 हो जाती है। इसका भी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 हो जाती है। तो चलिए मैं आज इसकी पूरी डाटा आपको देने वाला हूँ। और इसकी क्या होगी डाटा, सर्वप्रथम तो मैं इसके इनर डाई और आउटर डाई के बारे में बात करूँ, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी। मिनी मार्बल का जो था वो मिनी मार्बल का छोटा था, यानी कि 2 इंच में 2 सूत कम था, लेकिन इसका बात करूँ तो 2 इंच तो 3 सूत की हो जाती है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो 2 इंच 3 सूत की हो जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका मिनी मार्बल 1 है। सेम टू यू डाटा अगर दूसरा मोटर भी आपके पास आता है, सेम स्टार्टर में आता है, सेम साइज में आता है, तो उसको ये डाटा आप उसमें फिल कर सकते हो। तो इसकी इनर डाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइज़ की बात करूँ तो 2 इंच 2 सूत की 2 इंच 3 सूत की हो जाती है। बीच की गुलाई की बात करूँ, यहाँ पे जिसमें जिस जितना राउंड में आपका स्टार्टर घूमता है उसका बात करूँ तो ये पूरी 2 इंच गुलाई में हो जाती है। और पूरी स्टार्टर की बात करूँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टर की बात करूँ तो 4 इंच की हो जाती है, पूरी 4 इंच की स्टार्टर हो जाती है। RPM आपका 2780 हो जाता है। कैपेसिटर की बात करूँ तो 15 FMD का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम मैं इसके रनिंग का कॉयल के बारे में बात करता हूँ। तो रनिंग की कॉयल आप देख सकते हो इधर की डाली गई है। रनिंग के लिए इसमें यूज़ किया गया है आपका प्रॉपर 24 नंबर कॉयल, यानी कि 24 नंबर का वायर इसमें यूज़ किया गया है, जो कि आप देख सकते हो यहां से मैंने लीड वायर निकाल रखी है। 24 नंबर कॉपर क्वाइल रनिंग के लिए लेना होगा। वेट का बात करूं तो 350 ग्राम लेना होगा पर क्वाइल टर्न। यानी कि जो कंपनी का डाटा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और मेरा डाटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का जो डाटा था वो सर्वप्रथम यानी कि रनिंग की फर्स्ट नंबर जो क्वाइल थी उसमें एक मतलब ओनली 163 टर्न था, दूसरे में 64 और तीसरे में 65 टर्न था। यानी कि एक एक टर्न का डिफरेंस दिया हुआ था कंपनी ने, लेकिन हमने उसको क्या किया कि प्रॉपर इसमें 65 65 65 का मैंने 3 सेटिस का बनाया, मतलब स्टार्टिंग का पर क्वाइल टर्न मैंने 65 डाल दिया। कंपनी का एक स्टेप मतलब एक टर्न ऊपर करके लेके चल रहा था, यानी कि 63 64 65 था, तो मैंने क्या किया पूरा का पूरा 65 ही कर दिया। यानी कि पर क्वाइल टर्न 65 का होगा। फिर से आप समझ लीजिए रनिंग के लिए 24 नंबर वायर 350 ग्राम कॉपर का लेना होगा, पर क्वाइल टर्न आपका 65 का होगा। जैसे मैंने आपको बताया क्वाइल पिच तो मैंने फर्स्ट में ही बता दिया, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 फर्स्ट इसकी हो जाती है। सेम टू यू उसी अकॉर्डिंग आपका इसका हो जाता है रनिंग का कॉयल। रनिंग का तो कॉयल आपने जान लिया। बात करते हैं स्टार्टिंग कॉयल का, तो स्टार्टिंग कॉयल के लिए आपको लेना होगा 26 नंबर वायर। वेट की बात करूँ तो 275 ग्राम लेना होगा पर क्वाइल टर्न। यानी कि इसमें भी वही कंपनी ने डिफेंस किया हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट नंबर कॉयल था उसमें आपको 81 टर्न, दूसरे में 82, तीसरे में 83 टर्न डाला हुआ था। यानी कि एक एक टर्न का डिफेंस किया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया इसका पूरा टर्न ही बदल करके और इसका पूरा का पूरा जो टर्न है हमने 85 टर्न का ले रखा है। यानी कि रनिंग के स्टार्टिंग के लिए आपका पर क्वाइल टर्न 85 देने होंगे। तार नंबर 26 होगा। वेट का बात करूँ तो 275 ग्राम। फिर से समझ लीजिए आप, रनिंग के लिए इसमें लेना होगा 24 नंबर वायर 350 ग्राम पर क्वाइल टर्न 65 होगा। स्टार्टिंग के लिए लेना होगा 26 नंबर वायर, क्वाइल का वेट 275 ग्राम होगा, पर क्वाइल टर्न 85 का होगा। ये हो गई। अब देख लेते हैं हम इसमें जो कटिंग किए हुए हैं वो हमारी डाटा ये निकल करके आ जाती है, जो कि मैंने कोई भी मोटर जब कटिंग करते हैं तो उसका पूरा का पूरा डाटा हम इसमें लिख करके रखते हैं। देखो क्रप्टन मिनी मार्बल 1 और 0.7 किलोवाट 1 HP। उसके बाद में ये देखो ये आपका जो है ना ये आपका स्टार्टिंग का है 85 82 81। यानी कि एक एक क्वाइल एक एक टर्न इसमें डिफेंस किया हुआ था। SWG 25, क्वाइल का वेट 275 ग्राम। उसके बाद में ये जो है ये आपका रनिंग का हो जाता है SWG 24, पर क्वाइल टर्न एक एक डिफेंस किया हुआ था। मैंने इसको हटा करके ऊपर का जो सबसे फर्स्ट था 65 उसको मैंने ले रखा है। क्वाइल का वेट 350 ग्राम। उसके बाद में इनर डाई की बात करूँ तो 2 इंच 3 सूत की। उसके बाद गुलाई 2 इंच, पूरे स्टार्टर के साइज 4 इंच की हो जाती है। मतलब कैपेसिटर की बात करूँ तो 15 FMD, RPM की बात करूँ तो 780 RPM की हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसकी कॉइल की जो लेंथ निकाली जाती है वो आपका फ्रेम को अकॉर्डिंग निकाली जाती है। अगर नहीं देखो तो जरूर देख लेना, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।